संस्कृति के रचयिता हमारे ऋषि मुनि यानी पुरातन वैज्ञानिकों ने मानव को सभ्य अनुशासित स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई तरह की व्यवस्था की है। जीवन के हर पहलू का बारीकी से मौसम, जगह, खान पान आदि का अध्ययन कर पर्व के रूप में समाज में स्थापित किया है। इन परंपरा के पीछे वैज्ञानिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य छिपे हुए हैं। दिवाली के पीछे भी धार्मिक वजह के साथ साथ आर्थिक व स्वस्थ विज्ञान का रहस्य केंद्रित है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि सनातनी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अधर्म पर विजय पाकर अयोध्या वापसी की खुशी के तौर पर दिवाली मनाते हैं। भारत के लगभग सभी राज्य के लोग इस पवित्र त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं, आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं व कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी दिवाली का बड़ा महत्व है। दिवाली के मौके पर लोग तेल के दिए, मिठाई, सजावटी सामान, रंगोली, फूल, कपड़ा, सोना, चांदी, बर्तन, पटाखे के अलावा अपनों को तोहफा देने के लिए खरीदारी करते हैं। इससे भी छोटा व बड़ा काम धंधा करने वाले सभी को आर्थिक रूप से फायदा होता है। पर क्या हमने कभी सोचा है क्यों सभी त्योहारों में से केवल दीपावली पर ही साफ सफाई व रंग रोगन करवाने, सरसों का तेल के दिए जलाने और अलग अलग तरह की रोशनी करने या फिर पटाखा फोड़ने का रिवाज सिर्फ दिवाली में क्यों है? इसके पीछे वैज्ञानिक आधार को समझने की जरूरत है। दरअसल हमारा देश ऋतुओं का देश है। करीब 13 तरह का मौसम हर वर्ष भारत में आता है। बदलता मौसम जहां हमें खुशी व आनंद प्रदान करता है, वहीं बदलाव के कारण कुछ समस्याएं भी आती हैं। हिंदुस्तान के ज्यादातर प्रदेशों में अप्रैल, मई, जून में खूब गर्मी होती है। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में बरसात के मौसम में जगह जगह जल जमाव होती है नमी के कारण। तापमान घटने के चलते हमारे चारों ओर कुछ खतरनाक जीव पैदा हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। वहीं कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े जमीन से बाहर भी आते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे वातावरण तथा घरों के कोने और गमलों के नीचे भी पनप सकते हैं और अपना घर बना लेते हैं, जो कई भयानक बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए उनको भगाने तथा समाप्त कर शुद्ध वातावरण बनाने के लिए दीपावली पर सफाई तथा रंग रोगन करने का महत्व है। उसके बाद तेल के दिए जलाने या रोशनी करने और पटाखा फोड़ने का रिवाज है। दीपावली पर अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि कोई कोना दिए की रोशनी से वंचित ना रहे। उनका मतलब है, अगर हर कोने में दिया जलाया जाए तो उसकी रोशनी और गर्माहट से कीड़े खत्म हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ कीड़े बच जाते हैं तो जमीन पर चलने वाले पटाखे, मसलन फुलझड़ियां, चकरी, अनार या अन्य छोटे बम की गर्माहट, चिंगारी व धमाके से उन कीड़ों की मौत हो जाती है और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है और बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं।